Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज इन लिस्ट द पर्पज ऑफ एक्सटेंशन एवेल्युएशन एंड एक्सप्लेन द डिग्रीज ऑफ एक्सटेंशन एवेल्युएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पज क्या होता है एक्सटेंशन एवेल्युएशन का, हम लोग क्यों एक्सटेंशन एवेल्युएशन करते हैं. एंड नेक्स्ट इज डिग्रीज ऑफ एक्सटेंशन एवेल्युएशन, किस तरह से हम लोग एक्सटेंशन एवेल्युएशन करते हैं, उसके क्या क्या डिग्रीज है. तो वी विल सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन. और एक्सटेंशन एवेल्युएशन की बात करें तो ये प्रीवियसली भी काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, सो वी विल सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. और सेकेंडली अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो दिस केम इन 2023 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर ऑफ IFOS एग्जामिनेशन, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशन है उसमें 2023 का ये क्वेश्चन आ चुका है. एक्सटेंशन एवेल्युएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी ये काफी पूछा जाता है. सो यू शुड बी नोइंग इट प्रॉपरली, और इसको मैंने अपने कोर्स में भी ठीक से कराया हुआ है, तो यू कैन रेफर दैट ऑल्सो. सो लेट्स सी कि सबसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे हम इसे आंसर को अप्रोच करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी नोइंग व्हाट इज एक्सटेंशन एवेल्युएशन. तो एवेल्युएशन होता क्या है. एवेल्युएशन इज नथिंग, तो सिंपली समझो, मान के चलो हमने कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम रन किया, वी हैड एक्सटेंशन प्रोग्राम, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है. तो अब यहाँ पे एक्सटेंशन एवेल्युएशन क्या करता है, एवेल्युएशन हमें पता करने में मदद करता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो किस हद तक फुलफिल हुए, वो किस हद तक पूरे हुए. सो द एवेल्युएशन इज नथिंग बट टू सी द प्रोग्रेस ऑफ आवर प्रोग्राम, सी द मिस्टेक्स ऑफ आवर प्रोग्राम, कि किस हद तक हमारा प्रोग्राम गया, ठीक है. और आप कह सकते हैं एक्सटेंशन एवेल्युएशन से हम लोग क्या करते हैं, हम वर्थ ऑफ आवर प्रोग्राम पता चलता है. वी गेट टू नो द वर्थ ऑफ आवर प्रोग्राम, वी कैन से वैल्यू ऑफ आवर प्रोग्राम. मान के चलो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम लोग 100 टन करेंगे इस फील्ड में, थ्रू ये एक्सटेंशन प्रोग्राम दे दिया है फार्मर्स को कैसे उगाना है, अब उस फील्ड में हम लोग 100 टन करेंगे. लेकिन क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्शन 80 टन हुआ. तो हम लोग पता करेंगे ऑब्जेक्टिव तो 100 टन था फिर भी 80 टन हुआ, तो इस क्यों ये 80 टन तक ही गया, क्यों ये 100 टन फुलफिल नहीं कर पाया, क्या मिस्टेक्स हुए हमसे, क्या चीजें हम और कर सकते थे. सो दिस इज व्हाट एवेल्युएशन इज, दैट इज नोइंग अबाउट द प्रोग्राम एंड एवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स, कि वो ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो रिजल्ट्स के हिसाब से कितना हद तक रिजल्ट जो आया है वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाया है. सो नोइंग द वर्थ और वैल्यू ऑफ आवर एक्सटेंशन प्रोग्राम कैन बी डन बाय एक्सटेंशन एवेल्युएशन. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सटेंशन एवेल्युएशन आखिर होता क्या है, ठीक है. आपको इसके काफी स्टैंडर्ड डिफिनेशन मिल जाएंगे कहीं पर भी, बुक्स में मैंने कोर्सेज में भी कराया हुआ है, गूगल पर हर जगह मिल जाएंगे, पर समझना इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट नो द टर्म्स, इसीलिए मैंने यहाँ फोकस आपको समझाने पे किया. और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जस्ट ट्राई टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में इसको लिखने का प्रयास करें. नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज पर्पस ऑफ एक्सटेंशन एवेल्युएशन. तो पर्पस क्या है एक्सटेंशन एवेल्युएशन का, व्हाट इज द पर्पस. सो पर्पस की बात करें तो काफी सारे जगह पे हेल्प, सबसे पहले तो ये प्रोग्राम इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है, इट हेल्प्स अस इन प्रोग्राम इंप्रूवमेंट. जैसे मैंने वहां बात की कि भाई गोल थी हमारा 100 टन्स की, पर हमने रीच किया 80 टन्स, तो हम एवेल्युएट करके पता करेंगे क्यों 80 टन्स ही रीच कर पाए हम लोग, व्हाई वी आर नॉट एबल टू रीच 100 टन्स, व्हाट आर द मिस्टेक्स वी हैव डिड, एंड और क्या क्या हम इतने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं, व्हाट न्यू थिंग्स वी कैन ऐड सो दैट वी कैन गेट टू 100 टन्स. तो इस तरह से जब हम एवेल्युएट करेंगे तो ये सारी चीजों के बारे में पता चलेगा. और नेक्स्ट मूवमेंट ये हो सकता है, अगर हम कॉन्करेंट एवेल्युएशन कर रहे हैं तो हम साथ साथ प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. सो द प्रोग्राम कैन बी इम्प्रूव्ड. सेकेंडली इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोग्राम एकम्प्लिशमेंट्स, हेल्प्स इन प्रोग्राम एकम्प्लिशमेंट्स, दैट इज कि प्रोग्राम को कितना हम एकम्प्लिश कर पा रहे हैं, मतलब कि अगर हमारा गोल इतना था तो कितना एकम्प्लिश कर पा रहे हैं. जब आइडिया जैसे यहाँ 80 टन से एकम्प्लिश कर पा रहे हैं तो वो एकम्प्लिशमेंट के बारे में पता चलता है कितना हम लोग प्रोग्राम पूरा किया. इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोफेशनल ग्रोथ, तो प्रोफेशनल ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है. अगर मान के चलो एक एक्सटेंशन ऑफिसर है, वो जाकर के कहीं पे एक्सटेंशन दिया, उसने वेलवेट नहीं किया,
हो सकता है उसमें वहां पे एक्सटेंशन जो उसने कराया वहां पे कुछ मिस्टेक्स उसने एवेल्युएट नहीं किया, अब वो कहीं और नेक्स्ट जगह एवेल्युएशन का एक्सटेंशन कराने जाएगा, सॉरी एक्सटेंशन कराने जाएगा, तो वहां पर भी वो सेम मिस्टेक्स कर सकता है। तो अगर हो सकता है उसने इस प्रोग्राम को एवेल्युएट कर लिया होता तो उसको पता चल जाता कि अपने मिस्टेक्स क्या क्या थी, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब एक्सटेंशन कहीं देता तो वहां पे उस मिस्टेक्स को नहीं रिपीट करता और वहां पे और अच्छे रिजल्ट्स उसे मिलते हैं। तो इस तरह से प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में, प्रोफेशनल ग्रोथ भी हमारा होता है, ठीक है, एज एक्सटेंशन ऑफिसर, एज ए फार्मर भी बहुत सारे कुछ एक्सटेंशन देते हैं, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है। इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, इट हेल्प्स अस इन नोइंग इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की, जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम हमने कराया उसका क्या इम्पैक्ट रहा ऑन फार्मर्स, ऑन यील्ड, ऑन इनकम, तो वो भी हमें वैल्यूएशन से पता चल जाएगा। अगर हमने वैल्यूएशन नहीं कराया बस हम लोग एक्सटेंशन प्रोग्राम करके वहां से चले गए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आया, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो ये जानने के लिए काफी अच्छा रहता ही है। सेकेंडली, रिसोर्स सिलेक्शन में काफी हेल्पफुल होता है, अपनी वेलवेट करा लिया तो आपने देख लिया कि भाई ये रिसोर्स मेरे लिए हम ठीक उतना है, हेल्पफुल नहीं था, ये रिसोर्स से हमें ज्यादा यील्ड मिला, तो उससे आप रिसोर्स के सिलेक्शन में अच्छे से कर सकते हो, मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकते हो, मॉनिटरिंग इंप्रूव हो सकता है थ्रू इवेल्युएशन, क्योंकि आपको पता रखता रहेगा कि किस तरह से हम लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं, किस तरह से हमारा ये हो रहा है। इम्प्रूविंग ओवरऑल, जैसे मैंने बात किया प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट में काम करता है, खैर ये तो रिपीटेड पॉइंट हो गया, और रिसर्च में काफी हेल्प करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अपेक्ट करता है। अब क्या हो रहा है कि आपने यहाँ पे एक कहीं पे मान के चलो कराया एक्सटेंशन, वहां पे आपको कुछ रिजल्ट्स आए तो उसमें आप देख सकते हो, जैसे रिजल्ट्स था 110 आया हमारा 80-10, तो लोग उसमें रिसर्च परस्पेक्टिव से भी देख सकते हैं कि अगर मिस्टेक्स था उन मिस्टेक्स को कैसे हम लोग कर सकते हैं, उस तरह से उसको डेवलप कर सकते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ये काफी हेल्पफुल होता है। तो ये सारे पर्पस थे जो मैंने 7-8, 6-7 पॉइंट आपको बता दिए, और आई थिंक ये इनफ है, अगर आप इसको अच्छे से लिख दोगे तो दैट इज इनफ फॉर आंसर। काफी सारे पॉइंट्स आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है, वर्कमैनशिप इंप्रूव करेगा ये, पब्लिक रिलेशन इंप्रूव करेगा, काफी सारे अदर पॉइंट्स यू कैन आल्सो ऐड ऑन इट, बट ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने इसको कंसाइज क्रिस्प और अच्छा रखा है। क्वांटिटी क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए ओवर क्वांटिटी, ठीक, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, आप इसको अच्छे से लिख लें अपने लैंग्वेज में, एंड जो अगर आपको कुछ और पॉइंट्स ऐड करने हो इसमें तो यू कैन लेट अस नो बाय कमेंटिंग, कमेंट करके बताओ कि आपने इसमें क्या क्या पॉइंट ऐड किया, सो दैट वी कैन नो कि यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। तो ये तो बात होगी पर्पज होगी प्रोग्राम का, आई होप इसको समझ में आ गया होगा आप सबको। सेकेंडली है डिग्रीज ऑफ एक्सटेंशन इवैल्यूएशन, ठीक है, किस तरह से हम लोग एक्सटेंशन इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उससे क्या क्या डिग्रीज है, तो विल डिस्कस इट। सो फर्स्ट वन इज सेल्फ इवैल्यूएशन, तो सेल्फ एवेल्युएशन क्या होता है, मान के चलो किसी एक फील्ड में एक्सटेंशन प्रोग्राम हुई, उसकी गोल थी 100 टन्स और रीच हुई 80 टन्स, तो यहाँ पे सेल्फ एवेल्युएशन क्या होता है, जिस फील्ड जो फार्मर ने इस एक्सटेंशन प्रोग्राम को यूज किया है वो सेल्फ एवेल्युएट कर लेगा अपने इसको प्रोग्राम को कि भाई 80 टन की गोल थी, 80 टन ही हमें हमारी आई, क्या क्या रीजन थे, हो सकता है ये मिस्टेक्स होंगे, तो जब वो फार्मर्स खुद से जो प्रोड्यूस कर रहा है वो खुद से एवेल्युएट कर रहा है, इट इज कॉल्ड सेल्फ एवेल्युएशन। सेकेंडली इंटरनल एवेल्युएशन, थर्ड वे ऑफ एक्सटर्नल एवेल्युएशन, दोनों को साथ में लिख रहा हूं कि आपको समझना आसान होगा। मान के चलो किसी एक एरिया में एवेल्युएशन हुआ तो वहां की ही जो एवेल्युएशन एजेंसी है या फिर जो एक्सटेंशन ऑफिसर है उसने खुद से वहां पे एवेल्युएट कर लिया, ठीक है, जहां पे भी वो एक्सटेंशन प्रोग्राम था वहां पे उसने खुद से एवेल्युएट कर लिया और देख लिया रिजल्ट्स क्या है, मिस्टेक्स क्या है, जो भी एवेल्युएशन के जो रिजल्ट्स है उसने देख लिया, तो क्या ये हो गया आपका इंटरनल एवेल्युएशन, क्योंकि वहां पे वो जुड़ा हुआ था एक्सटेंशन प्रोग्राम से, ही वॉज देयर सो ही एवेल्युएटेड इट। अब एक्सटर्नल एवेल्युएशन क्या होता है, जब कोई नया व्यक्ति जो एक्सटर्नल प्रोग्राम से एक्सटेंशन प्रोग्राम से जुड़ा हुआ नहीं, मान के चलो एक अदर ऑफिसर, एक्सटेंशन ऑफ प्रोफेशनल और ऑफिसर जो कि इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ नहीं था, या फिर कोई एनी अदर बॉडी जो कि इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ नहीं था, इस एक्सटेंशन प्रोग्राम से जुड़ा हुआ नहीं था, ही इज एन एक्सटर्नल बॉडी टू दैट एक्सटेंशन प्रोग्राम, अगर वो जाके वहां पे एवेल्युएट करता है, देन इट विल बी नोन एज एक्सटर्नल एवेल्युएशन। समझ रहे हो, इंटरनल एवेल्युएशन मतलब
इंटरनली जो जो एक्सटेंशन प्रोग्राम से जुड़े हुए थे उन्होंने कर लिया, एक्सटर्नल मतलब कोई बाहर से लिया, सेल्फ आप समझिए जो कर रहा है वो खुद से इवेलुएट कर पा रहा है सेल्फ, जैसे फार्मर्स यहाँ पे कर रहे हैं तो फार्मर्स खुद से अपने फील्ड को इवेलुएट कर रहे हैं। तो ये थीम आपको अच्छे समझ में आ गया था। नेक्स्ट वन इज कंकरेंट इवोल्यूशन। तो कंकरेंट इवोल्यूशन क्या होता है, मान के चलो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसको ऐसे समझता हूँ कंकरेंट। नेक्स्ट वन इज एक्स पोस्ट फैक्टो इवोल्यूशन। देखो दोनों में क्या होता है, कंकरेंट मतलब जब प्रोग्राम चल ही रहा है उसी टाइम हम साथ साथ में इवोल्यूएट भी करते जा रहे हैं, ठीक है, सिमल्टेनियस सिमल्टेनियस इवोल्यूशन करते जा रहे हैं विथ रनिंग ऑफ प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम चल भी रहा है उसके साथ साथ हम लोग सिमल्टेनियसली इवेलुएट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कंकरेंट इवेल्यूशन, ठीक है, मतलब प्रोग्राम के ऑनगोइंग प्रोसेस में ही हम लोग साथ में इवेलुएट भी करते जा रहे हैं हर एक स्टेप्स को, दैट इज कंकरेंट इवेल्यूशन। नेक्स्ट इज एक्स पोस्ट फैक्टो इवेल्यूशन। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम के एंड होने के बाद जब प्रोग्राम खत्म हो गया, एक्स पोस्ट मतलब पोस्ट प्रोग्राम, अब प्रोग्राम खत्म हो गया, रिजल्ट आ गए, सब कुछ आ गए, तब हम लोग अगर इवेल्यूएशन करें दैट इज नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो इवेल्यूशन, ठीक है। That is after accomplishment of everything, results आ गए, सब कुछ आ गए, तब हम लोग जाके evaluate करें, that will be known as ex post facto evaluation। और अगर हम program के running stage में मतलब program चल भी रहा है और साथ में evaluate भी कर रहे हैं, that is known as concurrent evaluation। So these were the degrees of evaluation। I hope you were able to understand this। So जो सारी चीजें थी आज वो आप अच्छे से समझ गए हो, कुछ भी इसमें difficult चीजें नहीं थी, basic चीजें थी, बस आपको समझने की देरी थी, and I think you will be able to understand this nicely। So that is all for today. Please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. Regular basis पे ऐसे videos बनाने में काफी hard work लगता है। और अगर आप like कर रहे हो, share कर रहे हो, subscribe कर रहे हो, तो काफी motivation मिलता है हमें कि हम और वैसे videos आप सबके लिए regularly बना पाएं। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.